লেউজ পারে সবাই গুজরাটের অনেক কিছু শিকার অন্যের স্বপ্নের জন্য কেন কাজ করব আমি আমার নিজের স্বপ্নের জন্য কাজ করব লে আমি ভুল বুঝলাম কিনা আমি জানি না স্বাগতম সবাইকে ভিডিও রিঅ্যাকশনে আমরা চলে এলাম আজকে আপনাদের সঙ্গে আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য আর আজকে আমরা আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যে ভিডিওটি দেখব সেই ভিডিওর টাইটেল হচ্ছে কেস স্টাডি অন গুজরাট বাই ডক্টর বিবেক বিন্দ্রা আমরা আসলে বিবেক বিন্দ্রা অনেক ভিডিওই দেখি হ্যাঁ মাঝখানে আমরা কিছুদিন আগেও কিন্তু ওনার একটা ভিডিও দেখেছি তো আমাদেরকে এই ভিডিওটির জন্য রিকোয়েস্ট করেছে টেক চিরাগ একটা ইউটিউব চ্যানেল এটা নিশ্চয়ই একটা ইউটিউব চ্যানেল তো চলুন দেখে আসি বিবেক বিন্দ্রা কি বলছেন এই ভিডিওতে গুজরাট সম্পর্কে आप सबका मैं विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच आज बात करूं आपसे गुजरात के विषय गुजरात एक गुजरात अपने आप में एक देश है जी हमारे देश की एक चौथाई एक्सपोर्ट देश का गुजरात कर रहा है ध्यान दीजिए एक चौथाई कॉटन देश का गुजरात से प्रोड्यूस हो रहा है एक चौथाई दूध देश का गुजरात से निकल रहा है दुनिया में 10 में से 8 डायमंड सूरत में पॉलिश हो रहे हैं आज ये वो स्टेट है जो 1980 था लेकिन आज देश का तीसरा सबसे एक पावरफुल राज्य मोस्ट प्रॉफिटेबल इकोनॉमी हमारे देश की जितनी एसईजेड एसईजेड होते हैं ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन पूरे देश के अंदर सबसे बड़े एसईजेड यहीं पे है रोड की कनेक्टिविटी कमाल कर दिया गुजरात ने इलेक्ट्रिफिकेशन इतना पावरफुल 98% इलेक्ट्रिफिकेशन गुजरात में हो चुका है इलेक्ट्रिसिटी का सर पावर सरप्लस है केवल अपनी पावर पूरी कर रहा है दूसरे राज्यों को जहां पे बिजली की कमी है उनको पावर भी दे रहा है 50% मोटेल और होटल अमेरिका के गुजरातियों के कब्जे में आ चुके हैं बचपन से धंधा कर रहा है धंधो सेठिया ये बचपन से उनके यहां ना मतलब बचपन में ही बातचीत चालू हो जाती है कहता है कि पढ़ लिख के किसी कंपनी में मिडिल लेवल मैनेजर बनने से अच्छा छोटी सी दुकान क्यों ना खोल लूं बचपन से गुजराती बच्चे को सिखाया जाता है जीवन में कई मोटू करवू छे कहावत है इनके यहां पे क्या जीवन में कई मोटू करवू मतलब मोटा करवू बहुत मोटा पैसा मोटू करवू मोटू करवू मोटू करवू यही सुन सुन के बच्चा बड़ा हुआ मोटू करवू ये किसी और राज्य में नहीं है बचपन से बच्चे को सिखा दे रहे मोटू करवू ये जो जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसमें गुजरात का जीडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो देश के मुकाबले बहुत आगे चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पूरा देश 25% कंट्रीब्यूट कर रहा है और गुजरात अकेला 40% कंट्रीब्यूट कर रहा है मतलब क्या हुआ दोबारा एक तिहाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट और एक चौथाई दवाइयां जितने भी फार्मा की तो बहुत सारी कंपनियां ने केमिकल का हब बनाया मेरी बात सिर्फ ये है कि अगर गुजरात एक इंडिपेंडेंट देश होता सुनिएगा ध्यान से अगर गुजरात एक इंडिपेंडेंट देश होता तो चाइना और साउथ कोरिया के बाद तीसरी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है पूरी दुनिया में आपके मन में आ रहा है ये गुजरात की हिस्ट्री है क्या ये गुजरात भाई एक्चुअली विरासत में गुजरात को 1600 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन मिल गया समुद्र से जुड़ा हुआ गुजरात 1600 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन मतलब पूरे देश में इतना बड़ा कोस्ट लाइन किसी के पास नहीं है तो व्यापार का माहौल ना सदियों से बना हुआ था आज से नहीं है उससे क्या हुआ एंटरप्रेन्योरशिप खून में आ गई सदियों से शिप के द्वारा वह कोस्ट लाइन पे व्यापार माल का आवाजाही चला करती थी एंटरप्रेन्योरशिप एक बार खून में आया नाउ प्रेफरेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर कंजम्पशन इज द की टू वेल्थ क्रिएशन हाँ प्रेस ये क्या करते हैं पैसा बचता है ना इनका उसको इन्वेस्ट करते हैं कंज्यूम नहीं करते ये जो नए नए रईस बने हमारे देश में कई राज्य ये हैपनिंग लड़के ए कूल डूड ये क्या थोड़ा पैसा आता है सारा खर्च करते हैं ये क्या करते हैं ये इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट को बहुत प्रेफरेंस देते हैं एक होता है मजा एक होता है जमा मार जो से वर्ड बनता है कुछ लोग मजा मारने में लगे रहते हैं और कुछ जमा करने में लगे गुजराती जमा करता है मजा कम करता है अब आप में से कई लोग सोचेंगे ओहो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन मिल गई और इसीलिए आगे निकल गए नहीं नहीं ऐसा नहीं है धीरे धीरे इंप्रूव किए बहुत 1960 में जो 340 रुपए
एक इंडिविजुअल एनुअल इनकम हुआ करती थी वो 340 रुपए से बढ़ के आज 1,40,000 रुपए हो गई। इंप्रूवमेंट का ये जो ट्रस्ट का माहौल क्रिएट हो गया ना, रिन्यूएबल एनर्जी में आगे आने लगा, मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ा, स्मार्ट सिटीज में आज नंबर वन हो गया हमारे देश में। वाइब्रेंट गुजरात, वो जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने शुरू किया था, दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट का माहौल गुजरात में ज्यादा है, दुनिया भर के लोगों का विश्वास गुजरात में ज्यादा है। वो दीदी ने बाहर निकाला बंगाल से टाटा को कि ए नटकिया बाहर करो, गुजरात ने वेलकम कर, ये वेलकमिंग स्टेट है। गुजराती बच्चा बचपन से जानता है नो रिस्क मतलब नो रिवॉर्ड। ये वो प्रकार के लोग हैं जो 84 लाख रेवेन्यू के परे हैं, ये बचपन से रिस्क लेना सिखा देते हैं, छोटी छोटी चीजों में रिस्क लेगा। वो क्या कहता है, जीवन में का एक मेदावू हो तो रिस्क तो लेउच पड़े। क्या बोला, रिस्क तो लेउच पड़े, रिस्क तो लेउच पड़े, रिस्क ना होए लगवे और रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ये दिमाग में घुस गया इनके। ये जो है ना, ये देखिए मैं बताऊं, गुजराती कौन, गुजराती वो जो मालवाड़ी से माल खरीदता है और सिंधी को बेच देता है फिर भी पैसा कमा लेता है। ओ माय गॉड, क्या बोल दिया मैंने भी यार, मारवाड़ी से माल खरीदता है, मारवाड़ी से सस्ता कैसे खरीदोगे आप और सिंधी को महंगा बेच ही नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंजूस है, कंजूसी और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में फर्क है, ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के मास्टर है। ये तो जिंदगी में कभी ऑनलाइन माल ना खरीदे, ये तो ऑनलाइन माल भी तभी खरीदते हैं जब डिस्काउंट मिलता है। ये डिस्काउंट पर के नाम लो भाई साहब, इतना डिस्काउंट ले लेगा आपसे, इतना एड़ी चोटी का जोर लगा देगा, जमीन आसमान एक कर देगा, चप्पल घिस लेगा, लेकिन डिस्काउंट लेके इतना डिस्काउंट लेगा, इतना अच्छा सामने वाले को बुरा भी नहीं लगने देगा, लेगा बड़े प्यार से। हैं जी, बड़ा मधुर भाषण होता है गुजराती, लड़ाई झगड़े में भी नहीं करता, प्यार प्यार से विन विन करा लेगा, उसका सारा मार्जिन खत्म कर देगा, अपने पैसे बचा लेगा और मुस्कुरा के गले मिलके जाएगा। ये हमारे देश में इंडिया के अंदर स्टार्टअप अभी कल्चर चालू हुआ है ना, वो स्टार्टअप स्टार्टअप, वो मेरा स्टार्टअप, वो इसका स्टार्टअप, वो नया स्टार्टअप, हैदराबाद में स्टार्टअप, बेंगलुरु में स्टार्टअप, गुजराती स्टार्टअप सालों से कर रहा है। वो क्या कहता है, कई नवू करिए यार, क्या कहता है, कई नवू करिए, कुछ नया करना है उसको, वो बात मोनोटोनी पसंद नहीं करता है, वो उसको स्टार्टअप इज अ माइंडसेट फॉर देम। एक गुजराती आदमी क्या कहता है, आप अपना सपना खुद पूरा कर लो, नहीं तो कोई आपको नौकरी पर रख लेगा अपना सपना पूरा कराने के लिए। बिजनेस तो शुरू कर जाते हैं, स्टार्टअप का माइंडसेट तो है, पर टेक्नोलॉजी में आज भी गुजरात बहुत पीछे, नीचे का नीचे करो ना, हेलो उनको तो मैं इसी चक्कर में टेक्नोलॉजी की कमी से प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाते हैं पर चाकरी करो इतना नहीं बना पाते। एवरेज गुजराती टेक्नोलॉजी में आज पीछे रहने के कारण टेक सिटीज बेंगलुरु हैदराबाद के बाद सूरत में नहीं आई, अहमदाबाद में नहीं आई, वडोदरा में नहीं आई, राजकोट में नहीं आई। टेक्नोलॉजी की कमी के कारण एक आम गुजराती कैश में काम करता है, कैसे काम करता है, कैश में डायरी बनाता है, अपनी डायरी जेब में रख के घूमता है। अरे आप सूरत में जाओ, जिसको देखो कैश में काम कर रहा है, ये चक्कर क्या है? इसका कारण है कि ये जो स्केलेबल मॉडल ना बिल्ड कर पाना, क्या होता है लल्लू लाल सिंड्रोम, आपने मेरे कई वीडियोस में देखा होगा, लल्लू लाल 5 का माल 50 में बेचेगा, लेचिक बेचेगा खुद ही, गुलाब जामुन खुद ही बनाएगा, कचौड़ी खुद ही बनाएगा, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं गुजरात के अंदर वो आज भी गल्ले पे चिपक के बैठे हैं। टेक्नोलॉजी की कमी के कारण अपने आप को रिप्लेस नहीं कर पा रहे, हाई परफॉर्मेंस टीम नहीं डेवलप कर पा रहे, यही कारण है सबसे ज्यादा गुजराती मेरे लीडरशिप पैनल में आते हैं और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये तरीके अपने निकाल लेते हैं, अब टेक्नोलॉजी नहीं है लेकिन बिजनेस बड़ा करना है, मेरे को अंबानी बनना है, अडानी बनना है, पटेल बनना है, तो कैसे करूं? वो क्या करेगा, आपड़ू सेटिंग ऊंचे बका, क्या बोलेगा, आपड़ू सेटिंग ऊंचू छे ए बका। ये जो चक्कर है ना, जब मैं काम नहीं बनेगा सेटिंग कर लूंगा, कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा, ये इनका माइंडसेट, इसको रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। 98.6% विलेजेस यानी कि गांव ऑल वेदर रोड के साथ कनेक्टेड है। रोड कनेक्टिविटी तो हो सकती है लेकिन इसको बोलते हैं ऑल वेदर रोड, सर्दी गर्मी या हो बरसात, सड़क पे चलता ट्रैफिक दिन और रात। ये ऑल वेदर रोड के बाद इनका टूरिज्म बढ़ गया, ऑटोमोबाइल का अपकमिंग सबसे बड़ा हब बन गया, अमिताभ बच्चन गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर हुए, तो उसके बाद और ज्यादा अच्छा, इसके बाद अरविंद मिल्स, सोमा टेक्सटाइल, मॉडर्न डेनिम, इंडिया लैंड ऑफ डेनिम बन गया। अच्छा, नए नए बिजनेस चालू करते है ना, तो इनके भी लाइफ में फेलियर बहुत आते हैं, फेलियर तो आएंगे ना, ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा फेलियर भी आएगा, लेकिन ये फेलियर से घबराते नहीं,
अल्टीमेट लर्निंग का माइंडसेट है, फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी भयंकर है, क्या कहते हैं आज ही नहीं तो काले तमाशे गुजरात बस के बारे बोलते सर बोलते चाचा जी आज नहीं तो कल आज माइंडसेट ठीक ठीक है खूब पावरफुल डंका बजेगा बिजनेस माइंडसेट अगेंस्ट द होप्स ये चक्कर क्या है ना अडैप्टेबिलिटी बड़ी है इनकी इंडिया की फोर्ब्स की लिस्ट हो या इंडियंस की दुनिया भर की लिस्ट हो पूरा देश एक तरफ और गुजरात एक तरफ 50% अरबपति हमारे देश में गुजरात से आते हैं और बचे हुए 50% पूरे देश के मिला के आते हैं अंबानी है या अडानी है दिलीप सांघवी है या अजीम प्रेम जी है कैडला वाले पटेल है या करसन भाई पटेल है ये गुजरातियों ने डंका बजा रखा है एक कमाल की बात बताऊं अमेरिका के अंदर सबाई गुजरात नॉर्थ अमेरिका के सारे पूरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर एक गुजराती की एवरेज इनकम एक अमेरिकन एवरेज इनकम से 3 गुना ज्यादा है इसको गुज्जू भाई ध्यान दीजिए यानी कि एक आम अमेरिकन जो कि गोरा अमेरिकन है उसकी एवरेज इनकम से 3 गुना ज्यादा है एवरेज इनकम हमारे देश का गुजराती जाकर के अपना झंडा गाड़ के आया है सात्विक बुद्धि का गुजराती दिमाग के इस हिस्से पे पैसा खर्च करता दिमाग के नीचे के हिस्से पे ज्यादा पैसा नहीं लगाता ये जीवा और जननेन्द्रियों की संतुष्टि पे पैसा नहीं लगाएगा गुजराती पर स्त्री गमन और मांस भक्षण पे पैसा नहीं लगाएगा वो लगाता अपनी लर्निंग के ऊपर शुरू से लर्निंग का कल्चर खाओ जानता है अगर लर्निंग बढ़ेगी तभी अर्निंग बढ़ेगी शुरू से ज्यादा अपनी उस बुद्धि पे इन्वेस्ट करता है देखिए ये दिमाग जो आपको सब कुछ देने वाला है अगर आप इस पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कहां से कमाओगे मना से गुजरात भाषी के खूब बेसि पसंद करे अनेक बेसि टॉपिक ভিডিওতে যা বলেছে এখান থেকে তো অনেক কিছু শেখার আছে হ্যাঁ অনেক কিছু যেমন একটা আমরা যারা কাজ করে যাচ্ছে জব করে যাচ্ছে তারা কিন্তু অন্যের স্বপ্নটাকে পূরণ করছে কিংবা অন্যের স্বপ্নটাকে বিল্ড আপ করে দিচ্ছে আমার যে নিজের স্বপ্ন সেটাকে কিন্তু আমি বিল্ড আপ করছি না তো গুজরাটের লোকজন চিন্তা করে এইভাবে যে আমি অন্যের স্বপ্নের জন্য কেন কাজ করব আমি আমার নিজের স্বপ্নের জন্য কাজ করব আর যেহেতু গুজরাটের 1600 কিলোমিটারের মতো জায়গা হচ্ছে সমুদ্র তীরবর্তী জায়গা তো এটা বলা চলে যে আমাদের চিটাংয়ে যেমন আমি যতদূর জানি এবং দেখেছি যে ছোট থেকে ছেলেমেয়েরা যখন বড় হয় তারা বিজনেস মাইন্ড নিয়ে বড় হয় এবং যখন স্কুল কলেজে পড়ে চিটাংয়ের ছেলেমেয়েরা তখন কিন্তু তখনই তারা অনেক বিজনেস করে এবং এবং পরবর্তীতে তারা যখন ভার্সিটিতে পড়ে তখন কিন্তু অলমোস্ট তারা তাদের একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে যায় যেখানে তাদের বিজনেসটা অলরেডি ডেভেলপ হয়ে যায় এরকম একটা পজিশন সেই জায়গায় গুজরাটের যে প্লেস যেহেতু তারা সমুদ্র তীরবর্তী অনেকগুলো জায়গা পেয়েছে সেই জন্য গুজরাটের যে জনগণ আছে তারাও এবং তাদের ছেলেমেয়েদেরকে ছোট থেকে শেখায় যে তুমি ব্যবসা করো এবং ব্যবসা করে নিজেকে বড় করো আসলে ব্যবসাটা তাদের যেভাবে বললেন উনি ব্যবসাটা তাদের শিরায় শিরায় বয়ে যাচ্ছে কারণ তারা ছোট থেকে যেহেতু তারা জানছে যে তাদের ব্যবসা করতে হবে বা নিজের পায়ে তারা দাঁড়াচ্ছে এইভাবে ব্যবসা করে তো সেক্ষেত্রে তারা হচ্ছে তখন থেকেই তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে তাদের নিজেদের জন্য আর বাকি যত ডেভেলপমেন্ট হয়েছে সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু জায়গাটার উন্নতি সাধন হয়েছে এবং ইনভেস্টমেন্ট এসেছে যার কারণে আরও মানুষ আগ্রহটা কিন্তু মানুষের বেড়ে গেছে তো সব মিলায় আমার কাছে এটা ভালোই লেগেছে যে গুজরাটে অনেক কিছুই উন্নতি হচ্ছে এবং দেখাচ্ছে যে এখানে 50% ইনকাম বা জিডিপি যেটা আসছে গুজরাট থেকে বাদ বাকি 50% কিন্তু পুরো দেশ থেকে আসছে তো এখানে জিনিসটা কিন্তু অনেক বড় একটা ব্যাপার আর আরেকটা জিনিস আমি অবাক হয়েছি যে সেখানে যতজনকে দেখালো বিজনেসম্যান সবাইকে বললো যে গুজরাটের এটা আসলে আমি ভুল বুঝলাম কিনা আমি জানি না ভিডিও থেকে তবে আমার কাছে মনে হলো যে তারা সবাই গুজরাটের এটা জেনে আমি অবাক হয়েছি কারণ এতগুলো বড় মাপের বিজনেসম্যান সবই একই জায়গা থেকে তাই হ্যাঁ যেহেতু ছোটবেলা থেকে বিজনেসম্যান নিয়ে সবাই বড় হয় তো হতেই পারে যে তারা সবাই ওখান থেকে বড় হয়েছে এবং ওখানে যারা শুরু থেকে বিজনেস শুরু করেছিল তারা দেখেছে যে কিভাবে বিজনেস করতে হয় এবং বিজনেসের রিস্ক নিতে হয় রিস্ক নেওয়াটা ছোটবেলা থেকেই গুজরাটের ছেলেমেয়েরা শিখে যে লাইফে যে যত রিস্ক নেবে সে তত বেশি উপরে যেতে পারবে অন্য রাজ্য হোক কিংবা আমরাই হোক আমরাও কিন্তু আসলে জীবনে যে রিস্ক নেবো সেটা নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করি আসলে জীবনে কি রিস্ক নিবো রিস্কটা নিলে আমি কতটুকু টিকতে পারবো কিন্তু গুজরাটের ওরা রিস্ক নেওয়ার মধ্যে খুবই পারদর্শী এবং রিস্ক নেয় বলে তারা আসলে বিজনেসের দিকে আগায় যাচ্ছে আর যে ধরনের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে সেটা বলা চলে অনেকগুলো জিনিস দেখালো যে অনেকগুলো প্রোডিউস করছে যেমন মিল্ক অয়েল
এবং আরো কিছু প্রোডাক্টের কথা বললো, যা হচ্ছে ডেনিমের প্রোডাক্টের কথা বললো, তারপর হচ্ছে যে তোমার কটন উৎপাদনে তারাও কিন্তু এগিয়ে আছে। আর আরেকটা মজার জিনিস আমার কাছে লেগেছে, সেটা হচ্ছে যে উনি বললেন যে ইউএস এর একজন ব্যক্তির যে ইনকাম তার তিন গুণ হচ্ছে গুজরাটের একজন ব্যক্তির। তো এটাও একটা মজার ব্যাপার ছিল, এটা জানলাম আমরা এখান থেকে। হ্যাঁ, ও ইন্ডিয়া থেকে ইউএসএ তে গিয়ে একটা ইন্ডিয়ান ব্যক্তি ইউএস এর যে সিটিজেন, তারাও সিটিজেন হয়ে গেছে হয়তো এতদিনে, কিন্তু যারা ইউএসএ তে জন্মগ্রহণ করেছে তাদের থেকেও তিন গুণ বেশি ইনকাম করছে। এটা আসলে মানে অবিশ্বাস্য একটা বিষয় বলা চলে। যাই হোক, ওভারঅল ভিডিওটি আমাদের ভালো লেগেছে, আর আমাদের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আমাদের সঙ্গে বসে আপনারা আর কি কি ধরনের ভিডিও দেখতে চান। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। আজকের মতো এখানেই বিদায়।